صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عشقوں سے جب تک نہ وضو ہو یا شاہ ذیشان عشقوں سے جب تک نہ وضو ہو یا شاہ ذیشان میں کیسے نعت لکھوں آقا میں کیسے نعت لکھوں مولا میں کیسے نعت لکھوں اب تک مجھ کو ہو نہ سکی ہے اب تک مجھ کو ہو نہ سکی ہے اپنی ہی پہچان میں کیسے نعت لکھوں ہو بے رسالت نعت پیمبر حمزہ کی پہچان نعت سے اہل بیت میں شامل فارس کے سلمان ایک اویسے قرنی ہے جو بن دیکھے قربان لہن بلالی اپنی جگہ ہے لہن بلالی اپنی جگہ ہے نعت کا خود عنوان میں کیسے نعت لکھوں آقا میں کیسے نعت لکھوں مولا میں کیسے نعت لکھوں نعت لکھے صدیق اکبر صدق ہے جن کی شان نعت لکھے فاروق اعظم عدل ہے جن کی آن نعت لکھے عثمان غنی تو ناز کرے قرآن اور نعت لکھے شیر خدا کا نعت لکھے خود شیر خدا کا حیدر سازی شان میں کیسے نعت لکھوں آقا میں کیسے نعت لکھوں مولا میں کیسے نعت لکھوں عشقوں سے جب تک نہ وضو ہو یا شاہ ذیشان میں کیسے نعت لکھوں آقا میں کیسے نعت لکھوں مولا میں کیسے نعت لکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت نعت واقعی عشقوں سے جب تک نہ وضو ہو صحیح بات ہے جی ویلکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں نعمت افطار میں اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں ہم لوگ سجاد صاحب ہیں اسد ایوب ہیں ناتھوا ہیں اور نعمان کریم نقشبندی ہیں کیونکہ مفتی ہیں مفتی صاحب سے تھوڑی سی ضرور ان سے بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں جب لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی یا خوراک صحیح نہیں ہوتی تو ایک عام طور پہ لوگوں کو یا تو نیند کا غلبہ آتا ہے یا چڑچڑاپن مزاج میں آ جاتا ہے یا پھر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتے ہیں اس چیز سے کو کس طرح اوائڈ کیا جائے دین میں کیا حکم ہے دیکھیں رمضان المبارک تو ہمیں جو چیز سکھاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی جو روح ہے اس کو ہم نہیں پا سکتے نہیں اس کو حاصل کر پاتے روزے رکھنے کا مقصد ہے تقوی کا حصول وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم جیسے مثال کے طور پہ دنیاوی طور پہ ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں دوا تجویز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزوں سے پرہیز بھی بتاتا ہے اگر ہم دوا تو لیتے رہیں لیکن پرہیز نہ کریں تو ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا
तो हमें 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 नींद का गलबा होना या परेशान होना या इस चीज़ से हमें वो महसूस करना कि यार हम किस माजल्ला किस चीज़ में मतलब आ गए हैं, हमने रोज़ा रख लिया है और ये वो, इस तरह की मतलब जो एक सिचुएशन हो जाती है, वजह ये है कि हम उन बीमारियों से महफूज नहीं रह पाते, उन बीमारियों से नहीं बच पाते। बीमारियाँ क्या हैं? निबत करना, चुगली करना, बेसब्री का मुजाहरा करना, वालदैन की अजमत नहीं करना, जिन चीज़ों की तरफ हमें रोज़ा या रमज़ान तरगीब दिलाता है उन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते हैं बल्कि उनसे हम अवॉइड करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि उन इबादात से भी हम खुद ब खुद कतराने लगते हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफीक हमसे छीन लेता है। अच्छा, तौफीक जब किसी चीज़ की चली जाती है ना, फिर ये सारे मामूलात होते हैं, शैतान गालिब आ जाता है या हमारा नफ्स गालिब हो जाता है, जिसके बायस हमें नींद आने लगती है, जिसकी बायस हमारा दिल इबादतों में नहीं लगता, उसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला तौफीक हमसे ले लेता है। तौफीक के हवाले से एक बात मैं अर्ज करूँगा कि हकीकत यही है कि हर चीज़ के अंदर तौफीक ही अल्लाह की दी हुई वो असल चीज़ होती है। एक वाकया है कि एक सेठ साहब जा रहे थे कहीं किसी काम से, तो उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, एक जगह रास्ते में ड्राइवर ने सेठ साहब से कहा कि सेठ साहब मैं यहाँ ज़रा रुक जाऊँ, मस्जिद है, दो रकत नमाज़ पढ़ के मैं वापस आता हूँ। सेठ साहब ने कहा ठीक है, उसे वो अंदर गया नमाज पढ़ने के लिए, काफ़ी देर हो गई वापस नहीं आया, तो सेठ साहब खुद दरवाजे पर गए, दरवाजे पर जाकर उन्होंने कहा कि तुझे किसने रोक रखा है कि तू बाहर नहीं आता? तो उसने कहा कि जिसने तुम्हें अंदर आने से रोक रखा है उसी ने मुझे बाहर जाने से रोक रखा। अच्छा। तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है कि उनको तौफीक नहीं मिली, मुसलमान वो भी थे, उनको तौफीक नहीं हुई नमाज पढ़ने की, इनको तौफीक हो गई नमाज पढ़ने की, तो जिसने इनको अंदर जाने से रोक रखा है उसी ने इनको बाहर आने से रोक रखा है। तौफीक की बात है, नमाज एक ऐसी चीज है कि अगर हम आपकी मिसाल समझ में नहीं आई। अच्छा, नहीं हजरत, उनका असल में कहने का मकसद ये था कि वो सेठ साहब ने मुझसे पूछा ना, जिसने तुम्हें अंदर आने से रोक रखा है उसने मुझे बाहर जाने से रोक रखा है। मेरी निगाह में अंदर आने से उन सेठ को शैतान ने रोका है और उनको बाहर आने से रहमान ने रोका है। आपने क्या कहा, मुझे पल्ले नहीं पड़ी बात। नहीं नहीं, देखें उनका कहने का मकसद ये कि उनको तौफीक नहीं मिली अल्लाह ताला की तरफ से, तौफीक नहीं मिली जब भी नहीं लफ्ज़ घुमाने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जब शैतान ने रोका मस्जिद में जाने से। देखें शैतान ने तो अल्लाह ने नहीं, शैतान हर किसी के ऊपर है ना, शैतान तो उसके ऊपर भी है और उसके ऊपर ज्यादा है जो दीन के अंदर ज्यादा मुखलिस है, दीन के अंदर ज्यादा खालिस है, दीन में ज्यादा है, उस पर ज्यादा अटैक करता है शैतान, उसको वो नहीं रोक पा रहा और इसको रोक पा रहा है। मकसद ये है कि अल्लाह की दीन तौफीक उनसे छीन ली गई है बस। अल्लाह तो बेहतर तौफीक देता है लेकिन हम खुद अपने लिए भी तो खराब कुछ काम करते हैं जिसके और इंसान की अपनी कशफहमी होती है कि उसकी तौफीकात से इस्तेफादा नहीं करता। चलें आपका बड़ापन, और जो बहकाता है वो शैतान बहकाता है। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो ये नहीं कह सकता जी वो अल्लाह ने तौफीक नहीं दी रोजा रखने की, मुझे असल में रोजा रखना शुरू हुआ है, मेरी बेगम जो है वो बड़ा परेशान होती है, मुझे कहती है बाहर चले जाओ आप आधे घंटे पहले, इस वक्त मेरी यही हालत हो रही है, माफी चाहता हूँ आप देखिए मैं गलत हूँ, कितना टाइम रह गया ये बताओ। अच्छा नहीं, बस थोड़ा टाइम रह गया तकरीबन आधे घंटे का नहीं, एक इस्लाही पहलू होना है, आधे घंटे हमारे बड़े आधे घंटे पहले आप रोजा रखना शुरू हो गए। मैं और भी कई दफा रोजा जाऊंगा। अच्छा चलिए, फिर थोड़ा आगा साहब से बात करते हैं। आगा साहब इस वक्त नहीं नहीं बिल्कुल आप बेहतरी है, बात पता क्या है, प्लीज आपका नाम क्या है? जिया। जिया, मुझे नौजवानों से मिलके, मेरे जितने दोस्त हैं ना सारे यंग लड़के हैं। अच्छा। मेरी एज का कोई बंदा मेरा दोस्त ही नहीं है। अच्छा। ऐसे 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 हाँ। सब बच्चे मेरे दोस्त हैं। अच्छा। अब है क्या, मैं इन लोगों के साथ चल रहा हूँ। हाँ। जनरेशन गैप नहीं आ रहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इनकी सोच थी मैंने इंटरफेयर किया, पढ़ लिया ये क्या है, और ये होना भी चाहिए। देखिए इससे बात पता लगती है, हर एक के दिमाग में हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे होते हैं। मैं भी बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, वो भी बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि हमें नहीं ये क्या बात थी, बहुत दफा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उसको क्लियर करना चाहिए कि पूरी क्लियर बात सामने आ जाए। मतलब बिल्कुल, हम बार दफा ये होता है कि अपनी बातों को क्लियर नहीं कर पाते और कोई चीज मुबहम भी होती है तो उसको कहते हैं ठीक है जी, मतलब समझ में नहीं भी आया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने होना चाहिए, इसी को तो डिस्कशन कहते हैं, फिर डिस्कशन के बाद ही एक पॉइंट सामने आता है। बिल्कुल, बात क्लियर होती है और हम तो खास तौर पे मीडिया में हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, वो अपने तौर पे कुछ ख्याल अक्स करते रहते हैं, तो उनके लिए भी बात क्लियर हो जाती है। सही बात।
सही बात है। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद किचन, क्योंकि ब्रेक्स जो होती है ना ये बहुत जरूरी होती है हमारी लाइव शोज के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए नेमत-ए-अफ्तार।